हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने ग्लेयर 30 इंस्टीट्यूट में। मैं एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी आपको पढ़ाने वाला हूं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इस चैप्टर के बारे में, वैसे बच्चों ये जो चैप्टर है 70 मार्क्स में, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी क्या वैल्यू है। और इस चैप्टर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा अभी। मैं सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। बच्चों जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है भाई। कैसे? जब आप कहीं पर केमिकल रिएक्शन कराते हैं और केमिकल रिएक्शन करा के वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या कहीं पर आपने करंट फ्लो कराया और वहां रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, इनको हम जिस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बाय द केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाय द इलेक्ट्रिसिटी। उसका डेफिनेशन अगर हम कहें, अगर एक आम आसान भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन। बोलो यहां तक समझ में आता है? तो ये तो बेटा आपका हो गया इस चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं, आपका जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पेज पे। तो आपका पहला जो टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? बेसिकली क्या होता है ये? एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल लगाते हो चार्जिंग में, बेसिकली चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी तो दे दिया बैटरी आप मोबाइल को, बट मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जाने से बैटरी के अंदर रिएक्शन लगातार हो रहा है, ठीक है। और जैसे वो 100% हो जाता है, आप क्या करते हो, चार्जर निकाल देते हो। अब क्या हो रहा है, जरा उल्टा सोचो, बैटरी के अंदर रिएक्शन हो रहा है और वहां से करंट जनरेट हो रहा है। बेसिकली यही हो रहा है यहां पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर मैं कहूं यहां पर बच्चे, ये होता क्या है, इट इज अ डिवाइस विच एंटर कन्वर्ट, क्या भाई, क्या इंटर कन्वर्ट, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बोलो समझ में आता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, सीधी सी बात है, कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली इंटर कन्वर्ट करता है बेटा। इंटर कन्वर्ट का मतलब ये हो गया कि ये आपका केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेकर जाएगा, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेकर जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बैटरी एक बार जब फुल चार्ज हो जाता है बच्चों, तो लगातार वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लगातार आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बना के रखता है। आप उस रिएक्शन को रोक नहीं सकते जब तक कि वो रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। कुछ बच्चे बहुत ही महान होते हैं, कुछ बच्चों का यह भी कहना होता है कि सर हम बैटरी निकाल के फेंक देंगे, क्या कर लोगे आप? अगर आप बैटरी निकाल भी दोगे ना बेटा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए, उसे मैं और आप नहीं रोक सकते हैं। यानी वो कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाला है, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है, ये होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, कहां पर बेटा, केमिकल एनर्जी में, ये आपका हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां डेल्टा जी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा ये बात आपको ध्यान करने वाला होगा कि केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यहां लिखते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से दो टाइप है बेटा, देखते हैं। पहला तो बेटा आपका हो जाएगा गैल्वेनिक सेल और दूसरा आपका हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल की खास बात क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द केमिकल रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी हम बिजली जब उसके अंदर पास आउट करेंगे तो ही उसके अंदर रिएक्शन होगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, ये तो हो गया बेटा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है वो एक स्पॉन्टेनियस सेल होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह लो। और बताओ, और जो यहां पर होगा आप नॉन स्पॉन्टेनियस कह लो, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो तीसरा आपका डिफरेंस आएगा गैल्वेनिक सेल में वो होगा एनोड, यहां बेटा नेगेटिव होता है और आपका जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहां पर आपका एनोड क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक में, ये पॉजिटिव होता है और कैथोड यहां पर नेगेटिव होता है। तो ये मोटा माटी डिफरेंस है, बहुत ही इजी है, एक बार में पढ़ने से ही आपको आ जाएगा क्लियरली। कोई भी अगर आपको डाउट आता है प्यारे बच्चों तो आप जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स हर हाल में दिया जाएगा। और बहुत जल्दी हो सकता है लाइव मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों के क्वेश्चन को समझूं, आप लोगों को समझा पाऊं और बेटर समझा पाऊं, आपसे कुछ सुझाव भी हमें चाहिए होंगे टाइम के अकॉर्डिंगली, जिससे आप लोगों के प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा मैं दूर कर सकूं या समझ सकूं, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकें। ठीक है, करते हैं आगे की बात बेटा। देखो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आपको चैप्टर समझना है जानना है कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। नहीं पता है कोई फायदा नहीं फिर इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को तो कैथोड तक क्लियर नहीं होता, एनोड तक नहीं पता होता कि एनोड क्या चीज है, कैथोड क्या चीज है, इलेक्ट्रोड होता क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स आयंस या विच डिसोसिएट इंटू आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटालिक रॉड होता है जिसको जो हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिससे कि करंट पास ऑन किया जा सके। सिंपल एक मेटालिक रॉड है जो कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए। द मेटालिक रॉड
विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। ठीक है, कैथोड एक यूनिवर्सल डेफिनेशन तुम्हें बता रहा हूं बेटा, लाइफ टाइम काम आएगा तुम्हारे कैथोड। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, माइनस है कि प्लस है, कैसे करना है क्या करना है, छोड़ो ये सब बातें। ठीक है, आप कैथोड को सिंपली ऐसे याद कर लो, एक ऐसा मेटालिक रॉड जिसके ऊपर या ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, बात खत्म। कोई भी सेल है रिडक्शन हो रहा है मतलब वो कैथोड है, बात क्लियर। द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन क्या हो रहा है बेटा, टेक्स प्लेस। एनोड के बारे में भी सेम, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। बोलो समझ में आता है, बहुत क्लियर है अभी चार चीजें, इसमें क्या जानोगे आप, इसमें कोई डाउट का स्कोप तो बचा ही नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्लास बेटा बात, बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना है इस चैप्टर के बारे में, गारंटी है मेरी बेटा। अगर आप जुड़े रहेंगे आप अपने एकेडमी के साथ तो डाउट का कोई स्कोप नहीं बचेगा, सारे न्यूमेरिकल आपसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से, और बाकी जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातों के साथ, तब तक नमस्कार। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेटा प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।